नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल टेक्निकल सिंगरौली में। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे, आप देख सकते हो सबसे पहले ये एम आई का सेट है, ठीक है। एम आई का इसका मॉडल नंबर है MAI132, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस सेट में आपका बैक बटन वगैरह कुछ वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कोई बैक बटन वगैरह यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, कैसे ये वर्क करे। देखो ये सबसे पहले मुझे क्या करना दोस्तों, मैं आपको दिखा तो मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मान लो कि मैं सेटिंग में गया, ठीक है, बोल दिया। अच्छा सॉरी दोस्तों, जैसे कि मैं, अरे यार दोस्तों, मैं सेटिंग में आ गया, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ तो मैं बैक आ नहीं सकता क्योंकि मैं बैक बटन तो काम कर नहीं रहा है, तो मैं अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। देखो कि यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, इस आइकन से मैं डायरेक्टली यहाँ से बैक आ सकता हूँ, ठीक है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, मैं इसे स्क्रीन में लॉक कर सकता हूँ, मैं इसे लगभग सारे फीचर्स में इसे वर्क कर सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप करना क्या है, देखो जैसे मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये आपका होम हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो होम पे मैं आ गया हूँ, तो मैं कुछ भी खोलूँगा तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, ना कि यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये ऑन कहाँ से होगा, ये इसके लिए ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल सेटिंग में जाइए, क्विक बॉल है, क्विक बॉल को आप ओपन करिए और यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये चल जाएगा, मैं इसे ऑन करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। तो मैं अब इसकी मदद से मैं चाहे होम स्क्रीन पे आऊँ, चाहे मतलब बीच वाले बटन को दबाऊँ, मतलब यहाँ पे आपको पूरा बैक बटन से लेके आपको पूरा चीज़ आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग मिल जाएगा। तो जिससे कि होता है कि अगर टच, देखो आप मेरा ऐसे यहाँ पे टच टूटा हुआ है, तो टच को काम कराने के लिए मैं बैक तो करना है भाई, कौन इतना करेगा रिप्लेस, क्योंकि ऊपर का पूरा सब काम कर रहा है, नीचे का ये डैमेज है, तो मैं यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे आज के वीडियो में दोस्तों चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको कुछ नेक्स्ट आइटम उसके साथ में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।